श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आप लोगों के पास धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का एक ऐसा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है, जिस अवसर के माध्यम से यदि आपके घर में संतान नहीं है, संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है या गर्भ में ही संतान गड़बड़ हो जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं, संतान की इच्छाएं आपके पास है परंतु उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो भगवान कृष्ण, देखिए भगवान कृष्ण सब कुछ के निर्माता और विध्वंसक भी हैं। उन्होंने अपने गीता में स्पष्ट कहा है कि सब कुछ हम से ही निकलता है और सब कुछ हम में ही समाहित हो जाता है। तो आइए उस रहस्य को जानते हैं कि किस रहस्य से हम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले आप बाल गोपाल, जी हां बाल गोपाल की प्रतिमा ले आए और उन्हें एक झूला पर स्थापित करें। लाल वस्त्र या पीला वस्त्र का यूज कर सकते हैं। झूले का ध्यान रखें, यदि काठ का झूला बना हो तो उत्तम है, आम की लकड़ी का हो और उत्तम। झूला ले आए, झूला पर बाल गोपाल को स्थापित करें। स्थापित कर विधिवत उनकी पूजा करें, जल से, पंचामृत से और फिर तुलसी अर्पित करें। भोग लगाना है बाल गोपाल को लड्डू का और माखन मिश्री का, माखन जरूर होना चाहिए। भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद आप कूश का आसन ले लें। कूश के आसन पर आपको बैठ जाना है और बैठकर भगवान को ध्यान करते हुए संतान की इच्छा से, हां ध्यान रखें पति पत्नी दोनों यदि यह करें तो मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कहता हूं कि बहुत जल्दी आपके घर में हस्ता खेलता हुआ संतान की प्राप्ति होगी आपको, और वो भी तेजस्वी। तो इस मंत्र का, एक ऐसे मंत्र का बताने वाला हूं, उस मंत्र का जाप 108 बार कम से कम, और अधिकतम यदि आप 3 माला या 11 माला कर लेते हैं तो बहुत आनंददायक रहेगा और शीघ्रतम शीघ्र आपके घर संतति की प्राप्ति होगी, यानी संतान की प्राप्ति होगी। मंत्र है ओम देवकीसुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। फिर से सुने, देवकीसुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतम् त्वामहं शरणं गतम्। बस यह मंत्र नहीं, अपने आप में एक राममान है, संतान प्राप्ति करने का एक सहज और सरल उपचार है। पति पत्नी साथ में बैठकर कूश के आसन पर तुलसी के माले से, ध्यान रखें माला तुलसी का होना चाहिए, और इस दिन प्याज लहसुन इत्यादि को निषेध करें। यदि आप व्रत कर सकते हैं तो सबसे उत्तम है, यदि व्रत की अवस्था में इसका जाप करेंगे तो अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो आप जान गए कि किस रहस्य से आप संतति को प्राप्ति कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, वह रहस्य है यह मंत्र। इस मंत्र का कम से कम 108 बार और अधिकतम आप 11 माला या 3 माला कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।